हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीन वायर वाले फराटा फ़ैन का जो कनेक्शन होता है वो रोटरी के साथ कैसे किया जाता है। तो गाइस ये देखिए, जैसे कि ये रोटरी है, मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको पहले मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैं बाहर निकाल लिया है, पावर केबल है, इसको थोड़ा लंबा कर लें। गाइस इसमें दो खटके होते हैं, देखिए इसमें दो पॉइंट है, क्योंकि ये पंखा जो है ये सिंगल स्पीड का है, थ्री वायर है। देखिए इसमें तीन वायर हैं, दो काले हैं, एक लाल है। ये लाल वाला कॉमन है और बाकी जो दो काले हैं, एक रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो गाइस ये देखिए, ये पावर वाले केबल है, इसमें दो लीड होते हैं। तो आप किसी भी एक पॉइंट पर पावर का जो लीड है उसका एक तार जोड़ लीजिए, किसी भी पॉइंट पर जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सिंगल स्पीड का है, दो पॉइंट वाला है। तो इस तरह से बढ़िया से जोड़ के टाइट कर लेना है, इसका जॉइंट अच्छे से लगाना है, स्पार्क नहीं होना चाहिए। और इसका जो दूसरा वाला पॉइंट रह गया है रोटर का, देखिए दूसरे वाले पॉइंट पे जो हमारा कॉमन वायर है पंखे से निकल के आ रहा लाल वाला, इसको जोड़ लेना है। गाइस ये आपके आपके पंखे में दूसरा कलर भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, लेकिन जो अकेला कलर में रहेगा वही कॉमन वाला है, क्योंकि जो दो तार रहेंगे वो सेम कलर के रहेंगे। तीसरा जो तार है वो अलग कलर रहेगा, तो वही कॉमन रहेगा। ये देखिए जैसा कि हमने दूसरे पॉइंट पे जोड़ लिया है कॉमन वाले को, अब क्या करिए, एक कैपेसिटर का वायर लीजिए और एक बिजली वाले जो बिजली की तार है, लीड है, उसका दूसरा वाला पॉइंट ले लीजिए, और ये जो काला वाला तार है इसको ले लीजिए। इनकी तीन तारों को इकट्ठा करके जोड़ दीजिए, इस तरह से अच्छे से ट्विस्ट करके घुमा दीजिए। अब अकेला तार रह गया है काला वाला और कैपेसिटर का, इनको लास्ट में वाले को एक में करके जोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरह से, जैसा कि हमने जोड़ लिया है, एक बार आप समझ लीजिए। देखिए रोटर में हमने एक पावर वाला केबल का एक लीड जोड़ दिया और दूसरे वाले पॉइंट से हमने इसको कॉमन को जोड़ दिया, और जो बिजली का दूसरा वाला पॉइंट रह गया उसमें हमने एक काला वाला और एक कैपेसिटर का जोड़ दिया, और लास्ट वाला एक काला वाला और लास्ट वाला एक कैपेसिटर का एक में जोड़ दिया। अब गाइस इसमें हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए टेप लगा लेते हैं, क्योंकि शॉक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, करंट नहीं लगना चाहिए, ध्यानपूर्वक काम करिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा टेप लगा रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको आप लोगों को दिखाने के बाद मैं इसको वापस खोल करके और इसको टब में ठीक से सेट करूँगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। तो गाइस देखिए हमने टेप लगा लिया है, बहुत ध्यान से काम करिए सब बिजली का। इसको हम पावर देते हैं स्विच बोर्ड में। देखिए अब हम रोटर घुमाएंगे, ये देखिए चल गया ये। गाइस अगर जो पंखा उल्टा चले तो जो काला वाला तार हमने बिजली वाले तार को जो हमने काले वाले तार में जोड़ा है कैपेसिटर के साथ में, तो उस बिजली वाले तार को घुमा करके, मतलब उसमें से निकाल करके दूसरे वाले कैपेसिटर के पॉइंट में जोड़ देना है, तो आपका पंखा सीधा चलने लग जाएगा। यही इसका तरीका है, ये देखिए गाइस बढ़िया काम कर रहा है। तो गाइस अब हमें वापस इसको खोल के और इस तरह से स्टब में सेट करना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो चीज़ क्लियर करूँगा। तो गाइस एक बार फिर से समझ लीजिए, जो पावर वाली केबल का जो लाल वाला तार है हमने एक पॉइंट पे जोड़ दिया रोटरी के, और रोटरी के दूसरे वाले पॉइंट पे हमने रनिंग का जोड़ दिया, और जो बिजली वाला दूसरा तार रह गया उसके साथ एक काला तार और एक कैपेसिटर का तार जोड़ दिया, और जो लास्ट वाला बच गया काला तार उसके साथ कैपेसिटर जोड़ दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, थैंक फॉर वॉचिंग।